हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के बारे में बताया जाएगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो यहाँ आप हम देख सकते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें लैंगिक प्रजनन होता है। और इसमें हम देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है और मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। तो पहले हम देखते हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम पुष्प का एक लंबवत काट काटें तो इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे नीचे की ओर एक डंठल नुमा संरचना निकली रहती है उसे पेडिकल या स्टाक या हिंदी में से वृंत कहते हैं। और उसके बाद इसके जस्ट ऊपर जो एक गोलाकार भाग होता है उसे हम थैलमस कहते हैं, या इसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। इसी पे पुष्प सेटअप रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि पुष्प जो होता है किस पे सेट रहता है, वो पुष्पासन पर यानी कि थैलमस पर। अब हम देखते हैं इसमें बाहर की ओर फ्लावर में कई सेपल पाए जाते हैं, सेपल या उसको हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं, या हिंदी में इसे हम वाह दलपुंज कह सकते हैं। ये सेपल या कैलिक्स जो होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वाह दलपुंज, ये ग्रीन कलर का होता है। जनरली इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर का होता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो सेपल कैलिक्स या इसको हम लोग बोल सकते हैं वाह दलपुंज। अब उसके बाद ये जो येलो कलर का हम दिखाए हैं ये कलर्ड पार्ट होता है, और इसकी साइज जो होती है वो कैलिक्स से ज़्यादा होती है, यानी कैलिक्स से ये बड़ा होता है और ये हमेशा कलर्ड होता है। जो कोरोला होता है इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, ये हमेशा क्या होता है कलर्ड होता है, यानी ग्रीन कलर को छोड़ करके किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट येलो पिंक या रेड हो सकता है। ठीक है, ये होता है आपका कोरोला या इसको बोलते हैं पेटल या दलपुंज। अब अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन या मादा जननांग की बात करें तो मादा जननांग को ये जो बीच में दिखाया गया स्ट्रक्चर ये जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होता है मादा जननांग अंग, जिसको हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसे हम मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो ऊपर गोलाकार भाग होता है उसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, और वर्तिकाग्र के नीचे एक लंबा सा पतला भाग होता है जिसे हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, और इसके नीचे एक फूला सा गोला हुआ भाग होता है गोलाकार जिसे हम लोग ओवरी या इसे हम अंडाशय भी कह सकते हैं। अब अंडाशय के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे पाया जाता है ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। यहाँ पे ओव्यूल पा के ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो हम एक बार फिर से देख सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग और क्या बोलते हैं पिस्टिल, और इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और यदि हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग स्टेमेन कहते हैं, और स्टेमेन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एंथर और फिलामेंट। तो ये होता है, ये है स्टेमेन और ये भी स्टेमेन है। इसमें जो ऊपर की ओर भाग होता है इसको हम लोग एंथर या पराग कोष कहते हैं, और एक लंबा पतला भाग होता है जिसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। अर्थात एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के स्टेमेन का निर्माण करते हैं, और स्टेमेन को हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन, या इसको हम लोग पुंकेसर भी कह सकते हैं। और कई पुंकेसर मिलकर के, एक या एक से अधिक पुंकेसर मिलकर के एंड्रोसियम या पुमंग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं फ्लावर के बाहरी परत को, यानी कि जो ग्रीन कलर होता है उसे हम कैलिक्स या सेपल या वाह दलपुंज कहते हैं, और जो कलर्ड होता है उसे पेटल, कोरोला या दलपुंज कहते हैं। तो ये मध्य में जो होता है उसे मादा जननांग, जो तीन भागों में बटा होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये होता है नर जननांग जो दो भागों में बटा होता है एंथर और फिलामेंट। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, वाह दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं या प्रथम चक्र बनाते हैं, और ये अनेक सेपल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा होता है दलपुंज या कोरोला या दूसरा चक्र होता है, इसमें अनेक पेटल्स पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है एंड्रोसियम या पुमंग या तीसरा चक्र होता है, इसे हम नर जनन अंग कहते हैं, इसमें पुंकेसर या स्टेमेन होते हैं। और चौथा जो होता है वो है गायनोसियम या जाजांग या स्त्री केसर, या चौथा चक्र होता है, इसे मादा जनन अंग कहते हैं। और इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप या पिस्टिल या स्त्री केसर पाए जाते हैं।